कल के वीडियो में दोस्तों हम आपको बीट बनाना सिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। चलिए अब हम इस पे एफएक्स लगाते हैं। एफएक्स के लिए दोस्तों आपको एफएक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे, कस्टम कुछ लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे ग्राफिक इक्यू। इक्यू क्या होता है ये समझ लीजिए। इक्यू में तीन टाइप के टोन जो होता है इक्वल करते हैं हम, जैसे कि बेस, मिड और ट्रेबल। बेस क्या होता है, जहाँ पे ठक ठक की साउंड आता है वो उसको कंट्रोल किया जाता है। मिड दोनों को कंट्रोल करता है और ट्रेबल जो होता है जैसे छन टन, इसकी आवाज़ को कंट्रोल करता है। तो हम साउंड को सुनते हुए प्लस माइनस करते हैं। तो हमको थोड़ा सा इसमें बेस चाहिए तो 100 को सबसे पहले अब समझिए। ये देखिए बेस कहाँ से मिलेगा, तो ऊपर के दो तीन जो आपको बेस देगा, बीच वाले मिड देता है और नीचे वाले ट्रेबल का साउंड आपको देता है। तो हम सबसे पहले बेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 100 से। तो हम साउंड को सुनते हुए इसको प्लस करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे बेस बहुत ज़्यादा ठक ठक आ रहा है किक का, तो इसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, हमको ये कर देंगे 3 के आसपास बस। हल्का सा इसमें 200 भी बढ़ाएंगे। पहले फुल करके आप सुनिएगा इसका कैसा इफेक्ट आता है। देखिए देखा ठंड ठंड वाला आज। तो ये हम ये इसको लगभग 2 तक रख देंगे, ठीक है। अब आते हैं 400 पे, ये भी सुन लेते हैं कितना साउंड देता है। ये सही है, 2.6 पे मैंने रख दिया। 800 को कुछ नहीं करना है, हल्का सा टच दे देंगे इसको 0.78 तक कर देंगे। और 1.6 मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसका हम साउंड लेते हैं, तो यहां से मैं इसको 7. इसके आसपास रखता हूँ 7.3, ठीक है। और जब मैंने इसको 1.6 को इतना बढ़ाया है तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैं इसको 3.2 को कम करूंगा। यहाँ पे देखिए इसको मैंने -5.7 तक या 6 तक आप रख सकते हैं। और इसको भी थोड़ा ट्रेबल इसमें से मैं हटाऊंगा, तो ट्रेबल का साउंड मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी मैं ट्रेबल माइनस करूँगा। यहाँ देखिए ट्रेबल ज़्यादा आ रहा है, छक छक मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे बेस ही चाहिए सिर्फ। तो हल्का सा ट्रेबल इसमें से भी माइनस कर दूंगा बस। लेवल को कुछ नहीं करना है, इसमें एफएक्स लग चुका है। एक बार हम इसको सुनते हैं बिना एफएक्स का कैसा साउंड करता है। देख रहे हैं किक का साउंड जबरदस्त लग रहा है। अब हम अगला जो लेंगे यहाँ पे कंप्रेसर लेंगे, तो प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं कंप्रेसर। यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं टेक लैब, तो यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंप्रेसर में देखिए ये गेन जो होता है ओवरऑल आपका वॉल्यूम देता है। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे रखूंगा 85 पर। और स्क्वीज जो होता है इसको थोड़ा सा ये जैसे समझिए फैलाता है और सिकुड़ता है ये यहाँ से आपका साउंड। यहाँ पे देखिए फैल रहा है, और इसको स्क्वीज को तो मैं बढ़ा दूंगा 75, ठीक है। यहाँ पे मोड को मैं कंप्रेसर ही रहने दूंगा। अब हम आ जाते हैं दोस्तों इस पे, सुन लेते हैं एक बार बिना इसका इफेक्ट्स का कैसा साउंड करता है। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अब दोस्तों हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिवर्ब में देखता हूँ, रिवर्ब है तो रिवर्ब में आ जाऊंगा, स्टूडियो रिवर्ब मुझे मिल गया। और स्टूडियो रिवर्ब क्या होता है ये जान लीजिए। रिवर्ब जो होता है आपके साउंड को पॉलिश देता है, जस्ट लाइक आप कोई शूज लेते हैं, जूते लेते हैं, उस पर पॉलिश देते हैं तो उसमें चमक आ जाती है, तो इसमें भी यही आता है। तो मिक्स जो होता है आपको एक तरह से रूम देता है,
इको थोड़ा सा देता है, तो रूम को देखिए कितना ज्यादा करेगा, देख रहे हैं? इसको आपको करना है लगभग 11। टोन जो है ओवरऑल इसका जो साउंड होता है उसको बढ़ाने के लिए है, तो टोन को हम बहुत कम करेंगे। ठीक है, और साइज को हम कम कर देते हैं, साइज को लगभग 10। बहुत ही जबरदस्त। एक बार हम इसको बिना इफेक्ट्स का साउंड सुनते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। तो दोस्तों हमने इस पे इफेक्ट्स लगा दिया है, अब हम बाहर आ जाते हैं और यहां से सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है। बहुत ही जबरदस्त बन गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बीट पे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। अगला वीडियो दोस्तों इस पे हम मेलोडी, कॉर्ड्स, बेस अलग से लगाएंगे, उसका ट्यूटोरियल आ रहे हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट्स करिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।